जन्म कुंडली में यदि इस प्रकार से पहले चौथे या आठवें भाव में शनि देव बैठे हुए हैं, आपके ऊपर शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है और आपको आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, नौकरी में समस्या आ रही हैं, जिस दिन से आपने अपने मकान की कंस्ट्रक्शन करवाई, रेनोवेशन कराई या नया मकान या जमीन खरीदा और आपके घर के अंदर बीमारियां, तकलीफें, लड़ाई झगड़े आपका साथ नहीं छोड़ रहे हैं, तो आपको इस वीडियो में बताए हुए उपाय को जरूर करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, ये जो तीन भाव मैंने बताए, पहले भाव में, चौथे भाव में या आठवें भाव में, यहाँ पर बैठे हुए शनि देव के बारे में श्रीमद् नारायण पुराण में भगवान शनि देव ने दशरथ जी से कहा कि मैं जिस भी व्यक्ति के जन्म स्थान, चतुर्थ स्थान या मृत्यु स्थान पर बैठा होऊंगा और यदि वो व्यक्ति मेरी पूजा करेगा, अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करेगा या फिर वो अपने जो उसके काम है, जो उसकी स्किल है, उसको वो बहुत चमकाता रहेगा तो मैं उसे सारे सुख दूंगा, यदि इसके विपरीत जाएगा तो उसे मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना करना पड़ेगा। तो और क्या उपाय किया जाए कि आपको शनिवार के दिन अपने चेहरे को किसी भी लोहे के कटोरे में सरसों का तेल भरकर उसमें अपनी शक्ल देखकर आपको दान देना चाहिए। आपको काली गाय की सेवा हर अमावस्या के दिन जाकर के जरूर करनी चाहिए। आपको काले सांड की सेवा जरूर करनी चाहिए और साथ ही साथ शनिदेव को अच्छा रखने का एक और उपाय होता है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी की बुराई यानी परनिंदा में नहीं उलझना चाहिए, हमेशा अपनी कमियों को ही ठीक करके उसे आगे बढ़ जाना चाहिए। तो उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में यहाँ पर आए हुए शनिदेव अच्छा सुख देते हैं और यदि आप पीछे इस प्रकार की गलती कर चुके हैं तो आपको शनिवार के दिन भगवान शनि के मंदिर में जा करके भगवान शनि देव को तेल अर्पित करके, तेल चढ़ा करके, आपको शमी के पत्रों से उनकी पूजा करके आपको अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। आशा करता हूँ आप इन उपायों का फायदा लेंगे। और आपको चलते चलते एक बात और बता देता हूँ, आपने कंस्ट्रक्शन करवाई, तकलीफें आ गई, मकान बनाया, खरीदा, तकलीफें आ गई, तो आपको 43 दिन लगातार इस प्रकार के नारियल और बादाम मजदूर लोगों को बांटने चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए और सरसों के तेल में पका हुआ खाना के आप 100 पैकेट तैयार कर लीजिए और शनिवार के दिन एक ही दिन में 100 मजदूरों को आप वो खाना बांट दीजिए। आपकी कुंडली के अंदर शनि का कितना भी क्रूर रूप होगा, कितना भी खतरनाक दुख आपको मिल रहा होगा, ईश्वर की दया दृष्टि आपके ऊपर अवश्य होगी और ये कष्ट आपके जरूर कम हो जाएंगे। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं आपसे मिलने मुंबई भी आने लगा हूँ, आप वहाँ भी मुझसे मिल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जय माता दी लिख करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। और शनिदेव को अच्छा रखने का एक सूत्र और भी बता देता हूँ, घर के अंदर जितना अंधेरा होगा, आप जितनी ज़्यादा बिजली की बचत करने की कोशिश करेंगे या आप जितना ज़्यादा बिजली की बर्बादी करेंगे, तब भी आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे नहीं होते। आपको रिसोर्सेज का सम्मान करने से भी शनि का अच्छा फल मिलता है, इसीलिए आप अपने घर के अंदर ना तो अंधेरा होने दें ना ही आप अपने घर के अंदर कबाड़ इकट्ठा होने दें, तो आपको इनका सुख और मिलेगा। जय माता दी।